आरएसएस मुर्दाबाद 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 तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पूरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 बिल्कुल कुमार मुर्दाबाद 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 बीजेपी हटाओ देश बचाओ देश बचाओ देश बचाओ मुर्दाबाद 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 पूरा मुर्दाबाद मोदी तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी नहीं चलेगी यूपी तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी नहीं चलेगी आरएसएस तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी नहीं चलेगी आवाज दो त्रिपुरा कम्युनिटी वायलेंस अटैक ऑन पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी अटैक ऑन मुस्लिम मार्क्स हाउस शॉप्स डिस्क्राइब्ड द टेररिज्म एक्ट बाय द मोब ऑफ हिंदुत्व ग्रुप विश्व हिंदू परिषद हिंदू जागरण मंच बजरंग दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एंड आल्सो दोज पुलिस हाई एंड लो ग्रेड ऑफिसर हु हैड सपोर्टेड दिस वायलेंस रिक्वेस्टिंग टू द टेक एक्शन ऑन दोज हिंदुत्व टेरर ग्रुप एंड शुड बी बैन इन इंडिया सिटीज़न क्लब की जानिब की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया था। प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था कि त्रिपुरा के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हो गया उसके ख़िलाफ़ हम तशद उसके ख़िलाफ़ हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हालात का जायज़ा लेंगे तो जहां पर भी ऐसे फसादात हो रहे हैं उसका नशाना सिर्फ मुसलमानों को बनाया जा रहा है। आप दिल्ली के फसादात ले लो या फिर हमारे बेंगलुरु के केजे हल्ली डीजे हल्ली के जो फसादात है मुसलमानों का नुकसान जान का भी हो रहा है माल का भी हो रहा है और सिर्फ इसका कसूरवार सिर्फ मुसलमानों को ठहरा रहे हैं। तो ऐसे हालात में एक मुसलमानों की जिम्मेदारी ये बनती है कि इसके ख़िलाफ़ हमको आवाज़ उठाना चाहिए। ये तो वाकया हो गया तकरीबन 15 दिन करीब से ज़्यादा हो गया है। हमको तो ये चाहिए कि जहाँ कहीं भी ऐसे वायलेंस होते हैं जहाँ भी ऐसे क्या है हादसात हो जाते हैं तो फौरन तरीके पर उसे कानूनी तौर पर क्या है उसके खिलाफ हमको प्रोटेस्ट करना उसके खिलाफ क्या है कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमको इसको बेदार होना चाहिए। आज सिटीज़न क्लब शाहबाद की जानिब से शाहबाद में एक रैली निकली जिसमें आवाम का जम्मे गफीर था और ये रैली का मकसद ये था जो त्रिपुरा में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म ढाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद किया जाए। अभी मौलाना शब्बीर साहब ने आपके सामने पूरी तफसील बताई और मकसद को बताया। मैं भी सिटीज़न क्लब शाहबाद की जानिब से हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि उन मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने त्रिपुरा में मसाजिद को शहीद किया, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म ढाया और उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए जिन्होंने औरतों के साथ छेड़खानी की उनके सीनों को चूरा। कई एक वाक़यात सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बच्चों के साथ औरतों के साथ जुल्म ढाया गया त्रिपुरा में। तो ये हमारे जमा होने का मकसद यही था कि त्रिपुरा में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और जब जब हम खामोश रहेंगे जब तक हम ऐसी खामोशी इख्तियार करेंगे दहशतगर्दों के हौसले बढ़ेंगे। आज सिटीज़न क्लब शाहबाद के नौजवानों को काबिल मुबारकबाद देता हूँ मैं और ये जो जज्बा है मैं चाहता हूँ सिटीज़न क्लब शाहबाद की जिस तरह तमाम देश के नौजवान भी इसी तरह जो है ना जालिम के ख़िलाफ़ जो है ना खड़े हो और जो है मजलूम की हिमायत में उठ खड़े हो और जिस कौम के नौजवानों के अंदर ये जज्बा पैदा हो अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम कभी भी जो है ना ये नहीं हो सकती कमज़ोर नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला ने आखिर जब तक जो है ना ये कौम के अंदर इतना जज्बा दिया है कि जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा खड़ी है खड़ी रहेगी। और जैसे कि ये देश के अंदर खासकर एक कमेटी के लिए कि जो है ना ये फसाद किया जा रहा है और बाहर के देशों में हमारे भारत की जो है ना बहुत ही छवि ख़राब हो रही है
जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इस तरह के से जो है ना सीवेज नारा झूठा होकर रह गया है। यहाँ पे जो है ना सबका साथ नहीं चल रहा, ये कौम कम्युनिटी को जो है सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर मरकजी हुकूमत से ये जो है सिटीजन क्लब के प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इसके जो कसूरवार है इस त्रिपुरा के जो फसादात के अंदर, उसको जो है ना पकड़ कर उनको जेल में बंद करें। ये सरकार अपने दिमाग से काम नहीं कर रही, बल्कि एक आरएसएस के माइंड पे ये हुकूमत चला रही है, हुकूमत चला रही है। ऐसी हुकूमत किसी के इशारे पे चलती है तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलती। इनको कौन सी भी चीज़ अगर आन आती है तो हिंदू मुस्लिम बोलकर ये इनका काम होता है और चेंजेस कर देते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के अवाम को, हिंदू भाई को एक तरफ करके क्या कर देते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म करो और हमारा काम पूरा हो जाता है। इसी तरीके से ये नाटक हमेशा इन्होंने अपनी हुकूमत में आए हैं, इसी तरीके से इनका चल रहा है नाटक। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नाटक नहीं है। ऐसे इंसान को ऐसे मोदी की था बोलकर सरकार बोल रहे, बीजेपी सरकार नहीं बोल रहे बल्कि मोदी और अमित शाह तो तड़ी पार थे, आज उनको फिर मुकाम मिला है। मगर उन अपने मुकाम को दोबारा अच्छी तरीके से लाऊंगा बोलकर उनके ख्यालात नहीं हो रहे हैं। अमित शाह अभी भी सुधरने का वक्त है, सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो वरना उनकी कोई भी कुत्ते मारी ज़िंदगी हो जाएंगी। आगे इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कहता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सिटीज़न क्लब का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं हमारे शाहबाद के सभी वासियों को और हमारे भाई को और हमारे सब भाई बुजुर्गों को सबको जो है ना मुबारकबाद देता हूँ, और मैं जो है ना सबका शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे जो है ना कभी हम प्रोग्राम करेंगे तो जो है ना मैं चाहता हूँ कि सभी जो है ना आके हमारे साथ दें, और इंशाल्लाह जो है ना कभी भी ज़रूरत पड़ी तो जो है ना हम भी उनके काम में आने की कोशिश करेंगे, और जो है ना हमेशा हम जो है ना काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और हमको जो है ना ऐसे आवाम मदद करते रहे, सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। देश बचाओ।